प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसके तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ नामांकन में वृद्धि करने के लिए शिक्षक डोर टू डोर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण 24 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। शिक्षक एनसीसी और एनएसएस की छात्राओं के साथ स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में प्रभात फेरी और साथ ही बैनर पोस्टर के जरिए प्रचार कर नामांकन बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ नामांकन के लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमेटियां बनाकर अलग अलग काम सौंपे गए हैं। पहला जो प्रवेश उत्सव का चरण है वो तो मई में हुआ था सर, और अब आज से प्रवेश उत्सव का दूसरा चरण शुरू हुआ है जिसमें हमने पहले से ही कमेटियां बनाई हुई हैं। एक तो प्रवेश की कमेटी है जो कि बच्चे जो आते हैं वहाँ पर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो हमारा आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ के लिए हमने अलग अलग समिति बनाई हुई है, तो टीचर्स वहाँ जाते हैं, घर घर जाकर के संपर्क करते हैं और जिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से नामांकन वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती है। लक्ष्य के रूप में इसको लेकर के सभी विद्यालयों की भांति इस विद्यालय में भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग टीम्स का गठन किया गया है, एक एक टीम लीडर उन्हें बनाया गया है। वो छात्र जहां भी पाए की संभावना है, ज़्यादा मिलने की संभावना है जिन एरियाज में, उनमें टीमों के साथ में टीम लीडर जाएंगे, घर वालों को कन्विंस करना चाहेंगे। ये एक हमने इस तरह का फोल्डर बनवाया है जिसमें स्कूल में सभी जितनी भी गतिविधियां हैं उनका ब्यौरा देते हुए बच्चे को सूचना दी गई है और आने का न्योता दिया गया है। शिक्षा विभाग में आज से बच्चों का प्रवेशोत्सव आरंभ हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आएँ, उनको प्रवेश दें, क्योंकि आज हमने शिक्षा विभाग में 80 से अबव पोस्टें जो थी वो भर दी हैं। अब टीचर्स की कोई कमी हमारे प्रदेश में नहीं है, विषय अध्यापकों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रवेश सरकारी स्कूलों में दिलाने के लिए आज से हमने जो है वो हमारा अभियान चला दिया है और 2 जुलाई को वृद्ध स्तर के ऊपर बाल सभा और प्रवेशोत्सव मनाएंगे। इसमें तमाम पूरे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सभी गांव में ये प्रवेशोत्सव